हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आज 25 दिसंबर है, बड़ा दिन है। आप सभी लोगों को 25 दिसंबर की बधाई। देखिए, टीपा टेरेस गार्डन में जो शोभायती पौधे हैं, इनमें काफ़ी दिन से पानी नहीं डाला, इसलिए इनकी ऐसी पोजीशन हो गई है, क्योंकि हम लोग बाहर गए थे। देखिए, ये जो है बेल का पेड़ है, जो छोटे छोटे से हैं, ये बड़े हो जाएंगे तो इनको फार्म हाउस पे जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये तुलसी है, ये देखिए सनी का पौधा है। सनी जो है नए नए इसमें पत्ते आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर पत्तों के ऊपर फल आ रहे हैं। इनका फल पत्तों में लगता है, जो मैं आपको कैसे दिखाऊं, कैसे कैसे, देखिए। हाँ, देखिए देखिए इस पत्ती को, देखिए देखिए इसके अंदर जो है इस पत्ते में फल लगे हुए हैं। अभी इसमें फूल अभी तक नहीं आया है, क्योंकि ये नया पौधा है। ये भाजी की हार्वेस्टिंग हुई है, इसमें बथुआ वगैरह भी है। ये पालक है जो अभी छोटी छोटी है, ये पूजा वास्ते जो है धूपा लगी हुई है। ये मेथी है जो ऊपर से पानी डालने के कारण ये ख़राब हो गई है, उखड़ गई है। इसलिए हेलो फ्रेंड्स, जब भी आप मेथी में पानी डालें तो नीचे हाथ करके फब्बारा से डालें। ये हम लोग नहीं थे, इसलिए अननोन आदमी ने पानी डालने से ऐसा हो गया है। ये धना है, ये थोड़े से चने लगे हुए हैं, जो जो इसकी भाजी काट कर बना लेते हैं। कभी कभी इसकी चटनी भी बना लेते हैं, जो बुंदेलखंड में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें हरी मिर्चा, लहसुन, प्याज डाल के इसको बना लेते हैं, जो काफ़ी टेस्टी बनती है। ये लाल भाजी है, ये कुंदरू है। देखिए कितने बड़े बड़े इसमें फल लग गए हैं। ये तीन पेड़ लगे हुए हैं। ये टमाटर वगैरह है, बैंगन है। ये जो है धतूरे का पौधा है, जो पूजा पाठ के लिए इसका फूल और फल काम आता है। ये सर्दी के फूल है, इनका टाइम अब ख़त्म होता जा रहा है, जो अब सूखने लगे हैं। ये दो कलर के हैं, काफ़ी सुहावने लगते हैं, लेकिन अब ये सूखने के कगार पे आ गए हैं। ये पौधा जो है पथरी की दवा है, कहते हैं लोग, आगे इसके पत्ता खाने से पथरी निकल जाती है, और इसमें बहुत ही सुंदर फूल आता है, जो अब करीब 10 दिन बाद आने वाले हैं। लाल रंग का पौधा होता है, लेकिन फ्रेंड्स आप भी अपने घर में लगाइएगा, ये काफ़ी सुंदर होता है और करीब 15 दिन तक खिलता रहता है। ये सफ़ेद वैगन है, जो अब लास्ट दौर में है, इनको बीज के लिए लगाया हुआ है, जिससे नई पौधा टिकी जा सके। ये जो है इनकी प्रयोगशाला है मैडम की, लिक्विड खाद बनाती हैं कई तरह की, किचन वेस्ट से, जो पौधों में डालने से पौधों की गुणवत्ता मिल जाती है उनको। गुड़हल कितना सुंदर लग रहा है, ये गेंदा देखिए, गेंदे का एक ही पौधा बचा है,
बाकी के तो सब खराब हो गए, छोटे छोटे आ रहे थे। एक ही पौधा है जिसमें बड़ा बड़ा गेंदा लगा हुआ है। और ये पालक है जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। आज इसको काट के भजिया बनाए जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये तीसरी मंजिल पर बना हुआ है, काफ़ी परिश्रम से बनाते हैं और आप लोग अपना कीमती वक्त देकर हमारा वीडियो देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं। ये सुबह सुबह का वीडियो है, देखिए सूर्यनारायण जो है निकल चुके हैं। अब इस वीडियो को बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।